अरे सुनिए जरा, विश्व गुरु भारत के राम राज्य के दर्शन तो करने जाइए। इस वीडियो में आप जिसकी आवाज सुन रहे हैं वो है पत्रकार मनीष राजभर। ये पत्रकार, ये पुलिस और ये घटना राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की है। थाना है भावरकोल और वर्दी में मुंह छुपाए यूपी पुलिस का चेहरा काला करके भागने की मुद्रा में जो महाशय दिख रहे हैं, जिनका चेहरा आप नहीं देख पा रहे हैं, यही वो राम राज्य की कानून व्यवस्था है जिसका ढिंढोरा घूम घूम कर पीटा जाता है। मगर पूरा मामला इतना ही नहीं है, मामला वहां तक पहुंच गया जिसकी आम आदमी, आम जनमानस कल्पना भी नहीं कर सकता। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से वसूली करना कोई नई बात नहीं है, आप लोग राह चलते देखते होंगे। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि ये वसूली किसी आदमी को रखकर करवाई जाती है, प्राइवेट आदमी को, क्योंकि मन में ये डर भी लगा रहता है कि सबके पास मोबाइल है, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया तो रामराज की पोल खुल जाएगी। मगर आज इस घटना की चर्चा मैं वसूली की वजह से नहीं कर रहा हूं। पुलिस की इस अवैध वसूली पर यदि चर्चा की जाए तो रोज हजारों वीडियो मिल जाएंगी, मगर इस वसूली कांड का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार के साथ जो हुआ है वो निश्चित रूप से यूपी के रामराज को मजबूत करने के साथ साथ भारत को विश्वगुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही दुनिया भर में फ्री प्रेस के मामले में भारत फुदक कर दो कदम ऊपर कूद जाएगा। पत्रकार मनीष राजभर द्वारा बताई गई एक एक बात और सारे आरोप आपको बता रहा हूं और इस वीडियो के अंत को बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा कि बिना बात के आम जनमानस और कमजोर वर्ग तथा गरीबों को गंदी गंदी गालियां देने वाली, मारपीट करने वाली पुलिस जब खुद किसी मामले में फंसते हुए नजर आती है तो किस तरीके से मैनेज करने का खेल शुरू हो जाता है, और जो पत्रकार मैनेज ना हो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इस तरह के आरोप मनीष राजभर ने लगाए और खुद उनके साथ क्या क्या किया गया उसे भी ध्यान से सुनते जाइए, और अंत में पत्रकार मनीष की बातें भी आपको सुनाएंगे। मनीष के अनुसार मुहर्रम की कवरेज के लिए वो कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रक वालों को रोककर वसूली करती हुई पुलिस नजर आ गई। मनीष ने मोबाइल निकालकर जब रिकॉर्डिंग करनी शुरू की और पूछना शुरू किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्रक वालों से पैसा क्यों ले रहे हैं, तो राम राज वाली पुलिस मुंह छुपाकर भागने लगी। एक बार फिर से देख लीजिए और देखते जाइए। गाड़ी लगी है और हाथों में ये पैसे लेकर ये ड्राइवर साहब हैं, ये ड्राइवर साहब हाथों में पैसे लेकर यहाँ पर उन होमगार्ड के कुछ जवान थे, पुलिस का कोई अफसर था जो हमसे मोबाइल छीन रहा था, जो पुलिस का कोई कर्मचारी था, आप लोग देखे मोबाइल छीना जा रहा था, हम देखे वहाँ छीन के भाग रहे थे, मोबाइल छीन रहा था। जी, ये लगातार ऐसे उनको पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान? बिल्कुल पहचान जाएंगे, बिल्कुल पहचान जाएंगे। डांटा जाता है, हम लोग अगर पैसा नहीं देते माँ बहन की गाली देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। बगल में थाना है, मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। भौरकोल थाने पे नहीं लेते, यहाँ बोलते हैं कि वहाँ पैसा दे तो यहाँ भी देना है, अनिवार्य है, यहाँ भी देना है, चौकी के आगे भी लेते हैं सर। वहाँ पर अगर आप लोग नहीं देते हो तो क्या होता है? गाली देते हैं, गाली देते हैं, माँ बहन आप लोग के पास, ये बताइए ट्रक में क्या रखे हैं? बालू रखे, पूरा शुद्ध अंडरलोड, ओवरलोड है सर, अंडरलोड में 54-55 टन की पासिंग है, 54-800 हम लोग लेकर आ रहे हैं कांटा पर्ची के साथ, लेकिन फिर भी पैसे लिए जाते, फिर भी आप जी हम परमिट भी लेकर आते हैं। वो मोबाइल छीन रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि कोई मीडिया वाला आया, देखो पैसा आप नहीं ले रहे, पुलिस वाले भाग रहे हैं, भाई साहब से वही बात बोल रहे हैं। 100 रुपए की औकात है आप लोगों की, 100 रुपए के उत्तर प्रदेश पुलिस की औकात है? ये 100 रुपए में आप बिक सकते हैं? अपने ईमान धर्म को नहीं देखते? अगर ये लोग नहीं देते हैं, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा किया जाता है, ये लीजिए। कोई यादव जी, दीवान जी आए हैं, नए हैं, बुलेट से चलते हैं और स्कॉर्पियो रखते हैं, चलते हैं ना, वो अपना नेम प्लेट निकाल के चलते हैं और सब सबके ऊपर गाली देते हैं, सोटा मारने के लिए। दीवान जी बुलेट से चलते हैं, रॉयल इनफील्ड है, रेड कलर की बुलेट, उनका नाम नहीं जानते हैं, नेम प्लेट निकाले हुए थे। लोगों को आधा घंटा एक दिन रुका के हम लोगों से बहस हुई, बोले पढ़े लिखे नहीं, हम बोले तुमसे कम पढ़े लिखे नहीं, बट हमारी मजबूरी, हम नौकरी नहीं पाए तो हम गाड़ी चला रहे हैं। ये आगे चौकी है, इस घटना में एक चीज और देखने वाली है। ट्रक ड्राइवरों को जैसे ही एक सहारा मिला, सारे खुलकर अपनी समस्या बताने लगे और कहने लगे कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद उनसे जबरन वसूली की जाती है, पैसा न देने पर माँ बहन की गालियाँ दी जाती है, भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है। पत्रकार को देख कर कथित तौर पर वसूली कर रही पुलिस तो वहाँ से भाग गई। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल, पत्रकार को मैनेज करने वाला खेल और मैनेज ना होने पर पुलिस क्या क्या कर सकती है ये दिखाने का खेल। मनीष के अनुसार पूरा भावरकोल थाना लग गया इस घटना को मैनेज करने में। पहले 500 रुपए देकर रफा दफा करने की कोशिश की गई, बाद में कुछ और ज्यादा दिया जाने लगा, और जब लगा कि मनीष का चरित्र मुंह छुपाकर भागने वाली पुलिस से मेल नहीं खाता तो पुलिस ने वो शुरू कर दिया जो अक्सर आप अखबारों में पढ़ते हैं, धोखे से बुलाना और फिर जबरन गाड़ी में ठूस देना। इसके बाद अवैध वसूली की आरोपी पुलिस पत्रकार पर ही वसूली का आरोप लगाने लगती है। मनीष ने यह पूरा घटनाक्रम गाजीपुर पुलिस के मुखिया
मीडिया तक पहुंचा दिया है। एक बार आप मनीष की जबान से सब कुछ सुन लीजिए, इसके बाद ये सुनिएगा कि किस तरीके से यूपी पुलिस फोन करके गोल गोल बातें करके और मैनेज करने का काम करती है। एक और बात, पत्रकार मनीष ने यह भी आरोप लगाया है कि उनका मोबाइल अभी भी थाने में जमा है जो पुलिस वालों ने उनसे जबरन छीन लिया था। और हमारा ये वीडियो शूट होने से ठीक पहले पत्रकार मनीष ने यह भी बताया कि लगभग सभी ट्रक वालों को पुलिस ने जबरिया थाने में बिठा लिया है और सूत्रों के अनुसार पता चला है कि पुलिस जबरन मनीष के खिलाफ ही बयान दिलवाना चाहती है। तुरंत ही एसपी को भी कॉल किए, एसपी साहब से ये कहें कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो उन्होंने यही कहा, एसपी साहब के पीआरओ से बातें हुई, ये कहा कि आप वीडियो भेजिए, जरूर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर तमाम से हमारे नंबर हैं, यही हमारा मोबाइल नंबर किसी तरह से पाके थाना अध्यक्ष पहले वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद हमें 500 रुपये देने, सबको भगा के उसके बाद 500 रुपये देने का प्रयास किए और कहे कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। कोई ऊंचे अधिकारी से बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे हम नहीं जानते, लेकिन कहे कि वीडियो डिलीट कर दिए। हम कहे कि वीडियो नहीं डिलीट करेंगे सर, हम पैसे नहीं लेंगे। हम चले गए अपने घर। घर चले जाने के बाद एक लोकल पत्रकार अटल राय नाम बताया जा रहा है, अटल राय का नाम बता के, पता नहीं वहीं थे कि नहीं थे, हम नहीं पहचानते लेकिन नाम सुने थे। हम सोचे कि भाई गांव के हैं, कम से कम उनसे मुलाकात हो। चट्टी पर बुलाया गया, चट्टी पर थे ही हम, बुलाया गया, बार बार इधर उधर से फोन, पैसे देने का प्रयास किए। अब बुलाया गया वहां पर एक ब्लोरो, कम से कम पुलिस से कुछ सादे वेश में कुछ, वो अटल राय भी थे शायद, उनको तो हम पहचानते नहीं लेकिन नाम सुना था। और वहां पर एक तरफा ले जाके दीवान जी हमें कुछ पैसे देने का फिर प्रयास किया। ये कहे पैसे गिनने लगे, ये कहे कि कुछ ले लीजिए। हम कहे कि नहीं सर, हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि हम जाने लगे तो हमें पकड़ के जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया। फोर व्हीलर प्राइवेट गाड़ी थी, उस पर बैठाने का प्रयास किया। हम नहीं बैठे। फिर धक्का मुक्की हुई। उसके बाद फिर हम कहे कि सारा चीज रिकॉर्ड है, एसपी साहब को आप जवाब दीजिएगा। एसपी साहब यही इतना कहने के बाद हमारा मोबाइल छीन लिया गया। हमें गाड़ी में बैठाया गया। उसके बाद ये कहा गया कि तुमको तुम वसूली कर रहे थे, उल्टा हमें आरोप लगाया जा रहा था। हम तुरंत ही वहां से गाड़ी दूसरा गेट खोल के, एक तरफ से चढ़े दूसरी तरफ से गेट खोल के हम भाग गए, क्योंकि शाम का समय था, कल शाम रात होने वाली थी, रात लमसम हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। हम नहीं भागे होते तो वहां पर रात को हमें थाने पर ले जाकर हमारे साथ क्या होता आप जानते हैं। हो सकता है हमें कोई फर्जी मुकदमा लगा दें, कोई गौ तस्करी का मामला डाल दें, या कांटा बंदूक दिखा के फर्जी एनकाउंटर हो सकता है हमारे साथ, हो सकता था। रात को हम इधर उधर भागे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से हम गुहार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सुन लिया आपने, अब ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस व्हाट्सएप कॉल करके सब कुछ मैनेज करती है। इंटर पास के भाग चली, कोई सामाजिक का है ना, कोई जान रहा है, बतिया समझ रहे हैं कि नहीं? जी 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 जी। हाँ, तो उनके कौन बात है, कहले ढंग ना, अब वही खड़ा माना पता रह गया कि भाई गो को सिर रोकना, पता चला कि कौन गाड़ी आया तो वो बात टक्कर 100 रुपया ले लो। ये सब बात है, ये सब करते छोटा मोटा भाई, जिसे एक बार खड़ा है इसी धूप में तो हजार सौ चलना ठीक है। सब चीजें जान की है, वाइड है जी, समझ गए जी जी। अभी मैं कह दूंगा, वो सब जो गड़िया वाले हैं ना, सब हम ही है, हमारे घर ही है जी जी। अंधे करा दिया है सुरेंद्र का, हम कहें सुरेंद्र सुरेंद्र है बहुत, कोई बात नहीं, बस ये मंगवा देंगे, बस यही है, क्या कहें, आप आइएगा माफी मंगवा देंगे, आप हमें जानते ही हैं जी जी जी। तो फिर मेरे व्यवहार के नाते ये सब ठीक नहीं है ना, आप आपका भी विचारधारा अलग है सर। हाँ, तो इसीलिए आजाद न्यूज वाले से राय साहब, तो मैंने कहा देखिए आपकी न्यूज के यहाँ, लेकिन शायद आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से बता रहे थे वो है, तो हमने कहा चलिए ठीक, मैं उधर बात कर ले रहा हूँ। कौन राय साहब? फोन किए होंगे आपको, वो आजाद न्यूज के जो वो है। हाँ, फोन किए थे लेकिन और कुछ नहीं। इसीलिए वो आप ही के चैनल वाले हैं? ना ना, हमारा अलग चैनल, हम अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं अलग करा चुके हैं अपने चैनल जी। कोई बात नहीं, कैसे करेंगे बताइए ना। ठीक सर, इधर से आते हैं तो फिर मुलाकात। कोई चीज ऐसा होता है ना, जब अभी हाथ से निकल जाता है फिर बाद में पछतावा होता है, ये भी लगत हो गया। और पॉइंट तो हटा दूंगा मैं, पॉइंट नहीं रहे, पॉइंट सिपाही हमारे जी है असल में।
तो एक लोग किए थे तो डिलीट कर दिए, अपने यूट्यूब चैनल पे डाले थे तो डिलीट कर दिए, और फिर एक थे चलेगा ना तो थोड़ा सा सलाह बुराई हुई, या तो कर वीडियो है इसे डाल देंगे उनको समझ में आ जाएगा। हाँ सर गलती चला गया वीडियो, पावरफुल का नहीं है, पुराना वीडियो है, बोला यही सब हो सकता ना। बाकी आप जैसा कहेंगे मैं तो रेडी हूँ भाई। है ना कितना सुंदर राम राज्य और राम राज्य की पुलिस। थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए, पत्रकार मनीष ने जो आशंका जताई और जिसकी वजह से वो गाड़ी से कूदकर भागने के लिए मजबूर हो, यदि ऐसा कुछ हो जाता तो आज मनीष की कहानी कहां पहुंच सकती थी। खुद मनीष ने हमें फोन करके बताया कि इन्हें जबरन गाड़ी में ठूसने के बाद पुलिस वालों की हरकतें देखकर ये महसूस हुआ कि ये लोग मनीष को गोतस्करी से लेकर अवैध असलहा या फिर चरस गांजा कुछ भी दिखाकर या तो जेल में भेज देते या फिर एनकाउंटर भी कर सकते थे, इतने गंभीर आरोप मनीष ने लगाए। वैसे भी झूठे मामलों में फंसाने के लिए भारत की पुलिस दुनिया में नंबर 1 कही जा सकती है। आए दिन हमारे सामने इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं कि पुलिस ने उठाकर फर्जी मुकदमे में फंसा दिया, सालों जेल काटने के बाद अदालत से आरोप बाइज्जत भरी हो जाता है। मगर सवाल यह है कि जब पत्रकारों के साथ इस तरह की ज्यादती और गैर लोकतांत्रिक कार्य किया जाएगा तो फिर आईसीयू में पड़े अंतिम सांस ले रहे भारतीय लोकतंत्र का क्या होगा। बड़े बड़े टीवी चैनल और गोदी मीडिया वाले तो पहले से सरकार की जूतियों में पड़े हैं, वहां तो सत्ता से कोई सवाल हो नहीं सकता, चाटुकारिता से फुर्सत नहीं है, और जो पत्रकार जमीन पर उतर के हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं उन्हें मानसिक रूप से शारीरिक रूप से और जीवन तक का खतरा पैदा कर दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में देश भर में ढेर सारे बड़े और नामचीन पत्रकारों तक की हत्या की गई है। इसके अलावा जो पत्रकार सोशल मीडिया पर काम करते हैं, जो अपना काम करते हैं, उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, आए दिन फोन पर जान से मारने तक की धमकियां दी जाती हैं। हमने भी कई बार अपनी कथा आपको सुनाई है, आप सभी इन घटनाओं से परिचित हैं। नहीं है तो आप सबके पास मोबाइल फोन है, खुद ही सर्च करके देख लीजिए पिछले कुछ सालों में कितने पत्रकारों की हत्याएं की गई है। मरणासन्न स्थिति में पहुंची देश की पत्रकारिता को थोड़ा बहुत जीवित रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि मनीष के साथ जो हुआ वो किसी अन्य पत्रकार के साथ ना हो। यह घटना यूपी पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, शासन प्रशासन तक पहुंचे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई, क्योंकि थाने की गैर जानकारी में कोई कर्मचारी यूं ही सड़क पे जाके वसूली नहीं कर सकता। आरोप तो यहां तक लगते हैं कि सबका हिस्सा बटा हुआ है, और यदि बटा न होता तो फिर सभी लोग इतनी मेहनत क्यों करते मैनेज करने में। बहरहाल हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और अब आपकी बारी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।